गाइस अभी सुबह के बज रहे हैं 11:05 और हम लोग निकल चुके हैं चंबल के लिए। और ये एक शॉर्ट राइड होगी और बहुत दिनों से मेरे फ्रेंड्स वगैरह पूछ रहे थे कि कोई वीडियो नहीं आया है, तो गाइस माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि यहाँ पे बारिश हो रही थी ग्वालियर में, जिसकी वजह से मैं राइड पे नहीं निकल पा रहा था। आज तो फिर भी रेनी है लेकिन अभी तक बारिश नहीं हुई, तो आई होप कि अभी जब तक मैं वापस आ जाऊँ और बारिश नहीं हो तो अपनी राइड स्टार्ट करते हैं। अभी हम लोग ग्वालियर सिटी से बस बाहर ही निकल रहे हैं। ओके सी यू। जस्ट अभी मुरैना क्रॉस करा है और चंबल अभी यहाँ से 13 किलोमीटर और रह गया है, हमें बस 18 किलोमीटर और ट्रैवल करना और हम अपनी डेस्टिनेशन पर पहुँच जाएंगे। मैं बाइक चलाते टाइम अपना रास्ता रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक है आज हाईवे पे। सो मिलते हैं चंबल में। हम लोग आ चुके हैं अभी चंबल वैली में और ये मेरे सामने है अभी चंबल नदी, और इसी के साथ साथ मेरी बाइक के 1000 किलोमीटर भी कम्प्लीट हो चुके हैं और यहाँ पे मेरी बाइक के 1002 किलोमीटर कंप्लीट होते हुए, और ये पूरी चंबल वैली है, ये पुराना वाला ब्रिज है चंबल का। अभी हम लोग ओल्ड वाले ब्रिज पे आ गए और इस ब्रिज को इस ट्रक से ब्लॉक कर रखा है क्योंकि चंबल का भी ये ब्रिज है यूज में नहीं है, तो हम लोग अपनी हिमालयन को अभी यहीं पे खड़ी करेंगे और हम लोग चलते हैं आगे। लुक एट द व्यू, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, जरा इस ब्रिज को तो देखो पुराने वाले को यार, इसमें तो सपोर्टर्स भी नहीं है यार, विदाउट सपोर्टर। वैसे पुराना ब्रिज भी अच्छा है बट इसको दोबारा से बनाने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि ये ब्रिज मानसून के सीज़न में जैसे अभी चल रहा है, अभी तो इसमें कम पानी है बट जब जब इसमें पानी भरता है तो ये ब्रिज डूब जाता है। और जैसा कि आप यहाँ से देख सकते हैं, इसको जूम कर देता हूँ, गाइस सोलो राइड के भी अपने ही मज़े हैं। इतने टाइम बाद बाहर निकल के मेरे को अच्छा लग रहा है। आई थिंक मैं 11 दिनों से तो घर में ही था, जब देखो बारिश, जैसे ही मेरा मूड बनता था कि चलो कोई बात नहीं मैं कल चलूँगा और हम एकदम से बारिश हो पड़ती, सारा मूड ख़राब हो गया था। और ये व्यू देख के सही में यार मेरा एकदम मन खुश हो गया है। मैं अपने फ्रेंड को दुर्गेश को भी लाने वाला था यहाँ पर बट भाई साहब आज किसी काम में बिज़ी हैं सो वो नहीं आ पाया, तो मैंने डिसाइड किया चलो कोई बात नहीं सोलो पे ही चलते हैं। और आई थिंक इट वर्थ इट रियली, मन तो मेरा वहाँ नीचे जाने का भी है पीछे बट मेरे को लगता नहीं यहाँ पे सेफ है कि बाइक को मैं उस बेसिन के पास ले जाऊँ क्योंकि बाइक का वेट काफ़ी ज़्यादा, 200 kg की बाइक है तो हो सकता है वहाँ पे धस भी सकती है और अगर यहाँ पे फंस गए तो यहाँ पे कोई हेल्प पहुँचने में भी बहुत टाइम लग जाएगा। सो आई विल एंजॉय। ओके गाइस सी या। ब्रिज पे अपनी बाइक को यहाँ पे ले आया हूँ और बहुत मज़ा आ रहा है, डर तो लग रहा है कि कहीं ये ब्रिज टूट ना पड़े बट वो बाइकर ही क्या जो डेयरिंग ना ले। बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब है इस ब्रिज की, ये देखो लोहा तक निकला हुआ है यार इस ब्रिज का। ओह माय गॉड, बहुत डर लग रहा है अभी मेरे को।